गई। सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए गाइस, इस शॉर्ट को अपलोड किया मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 44 से 45 मिनट हुआ है, और आपके आंख के सामने प्रूफ देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे व्यूज हुए, यहाँ पे बढ़ते जा रही है लाइव आपके आंख के सामने देख पा रहे होंगे। हम जितना भी रिफ्रेश मारे उतना हमारा जो व्यूज है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, आपके आंख के सामने देख पा रहे होंगे 4000 व्यूज हुए ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। और गाइस इसका एनालिटिक्स में जाते हैं, एनालिटिक्स पर क्लिक करके देन उसके बाद लाइव देख पा रहे होंगे इस लास्ट 48 आवर के अंदर में या फिर 60 मिनट के अंदर में लाइव देख पा रहे होंगे। जितना भी हम रिफ्रेश मार रहे उतना हमारा जो व्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं, आपके आंख के सामने प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस। और ये सभी का सभी पॉसिबल हुआ है गाइस शॉर्ट को अच्छी तरीके से अपलोड करने का सही तरीका, क्योंकि गाइस आप लोग जो है काफी बहुत ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर वायरल नहीं हो रही है तो जो भी अभी आपको टेक्निक बताने वाला हूं शॉर्ट को अपलोड करने का, अगर वो टेक्निक से अपलोड करते हो तो 100x100 चांसेस% है कि आपका जो शॉर्ट से वायरल होगा ही होगा। तो लाइव देख पा रहे लास्ट 60 मिनट के अंदर भी आपको दिखा देते हैं क्लिक करके, तो लाइव देख पा रहे जितना हम रिफ्रेश मारे उतना हमारा जो व्यूज है वो ऑटोमेटिक बढ़ते जा रही है। तो गाइस अगर आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो गाइस आगे जाने से पहले कल का वीडियो का ये भाई विनर है, इनके चैनल को कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम इंस्टाग्राम हर जगह पे मैं प्रमोशन कर दूंगा, इनके चैनल को जाके सपोर्ट जरूर करिएगा। और अगर आप भी इसी तरह से अपने चैनल को प्रमोशन कराना चाहते हैं उसके लिए आपको सिंपल से इस वीडियो के नीचे लाइक मार देना है, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है, देन उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नेक्स्ट विनर जो है आप 100% निकल जाएंगे। तो गाइस उसके लिए मैंने एकदम नया चैनल ओपन कर लिया है लाइव देख पा रहे होंगे, जिसपे गाइस सिर्फ और सिर्फ 5 सब्सक्राइबर, ठीक है एकदम नया चैनल ओपन किया, ऐसा नहीं कि पुराना ओल्ड है, मैंने नया चैनल ओपन किया लाइव देख पा रहे होंगे गाइस। और जस्ट नाउ इसी चैनल पे मैं एक शॉर्ट को अपलोड करूंगा आपके आंख के सामने, ठीक है, और उस शॉर्ट को मैं बूस्ट करके वायरल करके दिखाऊंगा आपके आंख के सामने, और कैसे यहाँ पे अपलोड हो रही है ए टू जेड ध्यान से देखिएगा, वायरल नहीं हुआ तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है। अब उसके लिए गाइस करना क्या है, सिंपल से ये वाला पर यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, देन उसके बाद अपलोड अ शॉर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, क्रिएट अ शॉर्ट, उसके बाद अपलोड अ वीडियो, उसके बाद गो लाइव, उसके बाद क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपलोड अ क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करके देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से वीडियो पर क्लिक करके उसके बाद जो भी आपको शॉर्ट को यहाँ पे अपलोड कर देना है उस पर आपको सिंपल से क्या करना है, इस प्रकार से क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, चीजों को ध्यान से समझिएगा, यहीं पे सबसे बड़ा बिग मिस्टेक करते हैं आप सभी में से, ठीक है, तभी जाके आपका शॉर्ट्स कभी भी वायरल नहीं होता है, और फिर समझते हैं कि नहीं हमें सब कुछ आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है। जब तक आप नहीं बढ़िया से समझोगे एक भी शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, चाहे 10 अपलोड कर लो, चाहे 20 अपलोड कर लो, चाहे 30 अपलोड कर लो, चाहे 400 अपलोड कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एक भी वायरल नहीं होगा अगर बढ़िया से नहीं समझोगे, ठीक है। अब आपको कहना क्या है, चीजों को ध्यान से समझना है, सबसे पहले गाइस आपको कहना क्या है, यहां पे एक जो ऑप्शन दिखाई देगा 60 सेकंड का, ठीक है, ये जो 60 सेकंड है आपको गाइस यहां पे एकदम 15 सेकंड कर लेना है, 15 सेकंड आपको कर लेना है, ठीक है। 15 सेकंड करने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको यहां पे इस प्रकार से क्या कर लेना है, इस प्रकार से कर लेना या फिर 15 सेकंड यहां पे इसी तरह से कर लेना है, ठीक है, इसी तरह से कर लेने के बाद देन उसके बाद गाइस अब जो आपको काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, मतलब यानी कि डन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। डन पे जैसे क्लिक करिएगा तो गाइस यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग लिखेगा, ठीक है, ये प्रोसेसिंग को आराम से होने देना है, बकाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको 10 से 20 मिनट आप दे दीजिए, टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, अगर टाइम देते हैं तो भाई बहुत अच्छा चीज सीख जाते हैं, और अच्छा सीखने के बाद देन उसके बाद जितना भी आप शॉर्ट्स अपलोड करोगे बैक टू बैक सारा का सारा आपका शॉर्ट्स वायरल होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद मेन काम यहीं पे बच जाती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड साउंड का, ठीक है, ये ऐड साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर सेट है अगर ऐड साउंड कोई भी साउंड को अगर इसमें ऐड कर दोगे तो 100% चांसेस है आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड साउंड पर क्लिक कर देना है, सिंपल सा फंडामेंटल, ठीक है। ऐड साउंड पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद लाइव देख पा रहे बहुत सारे आपका जो यहाँ पे दिखेगा पैसा वाला जो म्यूजिक है वो ट्रेंड कर रही है, दूसरा काम ये वाला गाइस यहाँ पे ट्रेंड कर रही है, तीसरा काम ये वाला ट्रेंड कर रही है, तो आपको एक से एक जो है आपको म्यूजिक जो है साउंड आपको ट्रेंड दिखेगा एकदम पूरा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, लाइव देख पा रहे। अब गाइस जो आपको यहाँ पे ट्रेंड जो यूज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव देख पाओगे 11 लाख शॉर्ट्स में ये जो शॉर्ट्स है ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको इसी को क्या कर देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद देन उसके बाद जो काम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, उसके लिए हम डन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं ओरिजिनल साउंड को एकदम लो कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपका ओरिजिनल साउंड इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको हाई कर देना है, और इसको यहाँ पे पैसा वाला को एकदम लो कर देना है, ठीक है। तो मुझे ओरिजिनल साउंड की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये वाला जो म्यूजिक है उसको हाई कर देना है,
और ओरिजिनल साउंड को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से क्या एकदम नीचे कर देना है, मतलब एकदम जीरो कर देना है, ठीक है। जीरो करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब जो आगे का काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब गाइस आपको करना क्या है, सिंपल सा गाइस यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, तभी जाके आपका शॉर्ट्स वायरल होगा, ठीक है। आप गाइस यहाँ पे लिखने के बाद देन उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा एकदम पूरा अल्टरनेटिंग दिमाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइव देख पा रहे, यहाँ पे लिख देते हैं हम पैसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, आपका सारा का सारा शॉर्ट्स वायरल होगा, ठीक है। बस ऑडियंस को ध्यान जो है, मतलब जो ऑडियंस का ध्यान है उसको आकर्षित करने अगर एक बार सीख है तो आपका बैक टू बैक सारा का सारा शॉर्ट्स वायरल होगा, ऑटोमेटिक वायरल होगा, ध्यान से देखिए कैसे, ठीक है। उसके बाद गाइस यहां पर लिख देते हैं पैसा ही, उसके बाद यहां पर लिख देते हैं फिर से पैसा, इस प्रकार से लिख देना है पैसा, ठीक है, पैसा ही पैसा इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। पैसा लिखने के बाद उसके बाद कलर जो है रेड कर देते हैं, ठीक है। कलर रेड करने के बाद देन उसके बाद इस प्रकार से लिख देना है, और यहाँ पे लिख देने के बाद इस प्रकार से आपको कर लेना है पैसा ही पैसा, ठीक है। इस प्रकार के लिखने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे लाइव देख पा लूंगे करना क्या है, ठीक है। पैसा ही पैसा इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है, या फिर पैसा का घाड़ा भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिख देना है। चलिए हम पैसा का घाड़ा लिख देते हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक कर देते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे पैसा का घाड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो घाड़ा लिख देते हैं घाड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड लिख देते हैं घाड़ा, ठीक है। घाड़ी को मैं यहाँ पे घाड़ा बना दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। घड़ी हो गया, ठीक है, मतलब यानी कि घाड़ा हो गया, ठीक है। पैसा का घाड़ा इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। और ये पैसा का घाड़ा जो है रिलेट कर पाएंगे देहात के जो भी लोग हैं, विलेज एरिया के, वो रिलेट कर पाएंगे बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको करना क्या है, चीजों को समझिएगा। थंबनेल यहां पे सेट कर देना है, थंबनेल क्या सेट करना है ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ए टू जेड सारा का सारा आपका जो शॉर्ट्स है वो 100% वायरल होंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग लिख रहा है, प्रोसेसिंग लिखने के बाद देन उसके बाद यहां पे करना क्या है, इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद देन उसके बाद आपको डन कर देना है, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद जो आपको काम करना है, चलिए पैसा का घाड़ा जो है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं पैसा का घाड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पैसा का घाड़ा इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे अमेजिंग दिखना चाहिए, चलिए हाँ ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बढ़िया लगने के बाद देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल सा गाइस आपको केवल सिर्फ और सिर्फ हैशटैग में शॉर्ट्स लगा देना है। हैशटैग में क्या लगा देना है, शॉर्ट्स लगा देना, हो गया काम खत्म। उसके बाद अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अपलोड हो गया, अब जो मेन काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। 1% भी मिस हो गया तो आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, पहली बता दे रहा हूं मैं। तो गाइस फाइनली हमारा जो शॉर्ट्स है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है गाइस, अब आपको इसके अंदर में एडिटिंग करना है, ठीक है। अब एडिट कैसे करना है, कैसे हैशटैग लगाना है, कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है, हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके लिए गाइस आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है गाइस ट्यूबबडी, ठीक है, या फिर VidIQ, ठीक है। ट्यूबबडी या फिर VidIQ भी से भी हो जाएगा, तो मैं VidIQ का यूज कर रहा हूँ, ऐसे मेरे पास ट्यूबबडी भी है, ठीक है। तो गाइस VidIQ को आपको यूज कर लेना है। अब VidIQ को कैसे यूज करना है, हर स्टेप वाइज स्टेप को ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं गाइस यहाँ पे VidIQ को ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा अलाउ या फिर नोट अलाउ भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि VidIQ जो है गाइस YouTube से वेरीफाइड एप्लीकेशन है, कोई भी आपको इशू होने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस एक ऑप्शन मिलेगा, लाइव देख पा लूंगे नीचे ऑप्टिमाइज का, ठीक है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज का, ठीक है। इस ऑप्टिमाइज पर आपको सिंपल से क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक जैसे क्लिक करिएगा तो गाइस आपका जो शॉर्ट्स है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अनलिस्टेड टू डू और उसके बाद शॉर्ट्स दिख रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल से इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक जैसे करिएगा तो गाइस आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब जो गाइस आपको काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बारीकी से समझना है, तब जाके आपका समझ में आएगा, देन उसके बाद आपका शॉर्ट्स वायरल होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस अब जो काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए गाइस अब आपको यहाँ पे सारा चीज आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट ये टाइटल का, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन का, एक उसके बाद एक टैग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तीनों को हैंडल करके चलना है आपको कैसे, सबसे फर्स्ट में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से आपको टाइटल लिख देना है, ठीक है। टाइटल जैसे लिखेगा तो गाइस आपको यहाँ पे टाइटल के अकॉर्डिंग गाइस आपको हैशटैग उसके बाद कीवर्ड ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा VidIQ, ठीक है। और वो 100% लगाओगे तो वायरल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद देन उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैसा ही पैसा, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ पैसा ही पैसा, ठीक है। मैं यहाँ पे एज को यहाँ पे कैपिटल कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं एज को कैपिटल कर देता हूँ, पैसा ही पैसा इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। पैसा ही पैसा, उसके बाद गाइस इमोजी हम लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक और लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ हैशटैग शॉर्ट्स, क्या लिख देते हैं,
हैशटैग शॉर्ट्स, हर स्टेप को ध्यान से देखेगा। मैं वही टाइटल लिख रहा हूं जो मैंने इस वीडियो के अंदर में यूज किया है, जो मैंने म्यूजिक के अंदर में यूज किया है, ठीक है। तो आपको वही लिखना है, ऐसा नहीं कि जो मन कर दिया वही लिख देंगे और वायरल हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। आपको ऑडियंस को पकड़ने सीखना है, ऑडियंस को मतलब ये जो अटेंशन है उसको खींचने सीखना है, तभी जाके आपका शॉर्ट्स वायरल होगा, देन उसके बाद मिलियन में और लाख में भी हो जाएगा, ठीक है। मैं जो अभी इस शॉर्ट के अंदर में दिमाग लगाने वाला हूं, अगर ये शॉर्ट्स शॉर्ट फिल्म में गया तो डायरेक्ट मिलियन में ही जाने वाला है। वह कैसे ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर करने के बाद देन उसके बाद हैशटैग फिर से आपको लिख देना है ट्रेंडिंग। क्या लिख देना है? ट्रेंडिंग, इस प्रकार से लिख देना है। देन उसके बाद गाइस यहां पे हैशटैग में आपको मनी लिख देना है। क्या लिख देना है? हैशटैग में मनी लिख देना है। अब यहां पे जैसे लिखिएगा तो गाइस यहां पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहां पे नीचे आपको कुछ कीवर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर गाइस पब्लिश चेंज टू योर वीडियो जैसे करिएगा तो आपका जो वीडियो है वो चेंज होगा, मतलब यानी कि सेफ हो जाएगा। सेफ होने के बाद देन उसके बाद जो एसईओ स्कोर है वो ऑटोमेटिक आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि गाइस मैंने सिर्फ टाइटल लगाया, ठीक है। अब टाइटल लगाने के बाद देन उसके बाद जैसे ही यहां पे लाइव देख पा रहे होंगे, जैसे ही हमने सेव किया तो मुझे यहां पे कीवर्ड जो है ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया, जिसको प्लस पर क्लिक करके मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, लाइव देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप जो गाइस काम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा, लाइव देख पा रहे होंगे, पैसा ही पैसा, उसके बाद शॉर्ट्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्लिक करके देन उसके बाद गाइस यहां पे आपको क्या कर देगा, इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर से आपको यहां पे क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से ऐड करने के बाद देन उसके बाद प्रूफ देख पा रहे होंगे, सारा चीज हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से आप यहां पे क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, लाइव देख पा रहे होंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं पैसा, ठीक है। इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख देते हैं पैसा, उसके बाद स्टेटस, ठीक है। पैसा स्टेटस जितना भी सर्च हो रहा है यूट्यूब पे वो सारा का सारा आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, लाइव देख पा रहे होंगे पैसा स्टेटस। उसके बाद पैसा स्टेटस व्हाट्सअप हो गया, तो गाइस यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देना है, ठीक है। लेटर आस्क यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एड सेलेक्टेड कीवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सारा का सारा कीवर्ड जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब गाइस यहाँ पे सारा का सारा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वन बाई वन करके सेट करते जाता हूँ, यहाँ पे लिख के देन उसके बाद इसको प्लस आइकन कर दिए। उसके बाद इसी प्रकार से गाइस आपको सारा का सारा आपको पे सेट कर देना है। इतना दिमाग नहीं लगाओगे आपका एक भी शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको पब्लिश चेंज टू योर वीडियो हम जैसे करेंगे तो आपका जो एसईओ स्कोर है थोड़ा सा ही आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइव देख पा रहे 30% जो है ऑलरेडी बढ़ चुका है। देन गाइस इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल से गाइस आपको डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद 2 से 3 आपको हैशटैग लगा देना है, ठीक है। सिंपल से गाइस आपको हैशटैग क्या लगा देना है, शॉर्ट्स लिख देना है, ठीक है। देन उसके बाद हैशटैग में आपको गाइस यहां पे लिख देना है, ध्यान से देखिएगा, ट्रेंडिंग, ठीक है। इस प्रकार से ट्रेंडिंग लिख देना है। देन उसके बाद गाइस यहां पे आपको लिख देना है पैसा, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद गाइस यहां पे पैसा, उसके बाद यहां पे स्टेटस, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर से आपको हैशटैग लगा देना है, ठीक है। हैशटैग लगाने के बाद देन उसके बाद गाइस यहां पे आपको लिख देना है YT शॉर्ट्स लिख देना है। देन उसके बाद फिर से आपको शॉर्ट लिख देना है, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। इस प्रकार से 2 से 3 आपको हैशटैग लगाने के बाद देन उसके बाद चेंज टू योर पब्लिश यहां पे कर देना है, ठीक है। चेंज टू योर वीडियो जैसे करिएगा तो वीडियो का जो है यहां पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप चेंज करने के बाद देन उसके बाद इतना ही आपको छोड़ देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये सारा चीज ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे मोटिवेशनल कोड, मनी स्टेटस, व्हाट्सअप, ये सारा भी यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है जब यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे पब्लिश चेंज टू योर वीडियो फिर से आपको कर देना है। वीडियो जो है चेंज हो चुकी है, यहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। 32% हो चुका। आप गाइस जो काम करना है ध्यान से समझिएगा, आप गाइस यहाँ पे क्या करना है, YT स्टूडियो में चले जाना है, ठीक है। कहाँ चले जाना है, YT स्टूडियो में चले जाना है। YT स्टूडियो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे YT स्टूडियो में आने के बाद देन उसके बाद जो काम करना है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे शॉर्ट सेक्शन में जाना है। शॉर्ट सेक्शन में जाने के बाद देन उसके बाद गाइस वीडियो को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा अनलिस्टेड है, इसको यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक कर देना है, ठीक है। वीडियो को पब्लिक करने के बाद देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सेव कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से सेव करने के बाद देन उसके बाद जस्ट नाउ यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं, व्यूज हो ए नो व्यूज हो आ रही है क्योंकि गाइस ये एकदम नया चैनल है, ठीक है। अब गाइस इस चैनल पे व्यूज को बढ़ाने के लिए आपको बूस्ट करना होगा, ठीक है। तो बूस्ट कैसे किया जाता है, गाइस उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि एक शॉर्ट को कैसे बूस्ट मारा जाता है एक नए चैनल पर, जिससे आपका शॉर्ट जो है 100% वायरल होगा ही होगा। गाइस जो भी अभी आपको टेक्निक बताया उस टेक्निक पे काम करो, 100% आपका शॉर्ट जो है वायरल होगा ही होगा।